हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी किचन। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं दाल पकवान। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरी मैदा लिया है, एक कटोरी मैंने सूजी ली है और उसके अंदर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें दही ऐड किया है और इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा सा मैंने ऑयल, मोरन के लिए ऑयल भी डाल दिया था। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको पूरा दही के अंदर ही डो बनाया है। आप देख लीजिए, अगर दही ज़्यादा खट्टा है तो उसका यूज़ कम करें। इस तरह से मैंने पूरा डो बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसकी पूड़ियाँ बेलेंगे, पूड़ियाँ नहीं, बड़ी रोटी की साइज़ में बेलेंगे, क्योंकि हम पकवान बना रहे हैं तो बड़े साइज़ का ही अच्छा लगेगा। इस तरह से हम एक एक करके इस तरह से सभी के पकवान को बनाने की तैयारी कर लेते हैं। पकवान मैंने, ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको बना लिया। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ये किया है कि मैंने इसके अंदर सूजी डाली है, तो ताकि ये थोड़ा सा कुरकुरा और लगे, अच्छा लगेगा उसके अंदर, थोड़ा टेस्ट करारा करारा टेस्ट आएगा इसका। इस तरह से मैंने इसको देखिए बेल लिया है। अब मैं एक फॉक लूँगी, चम्मच, उसकी सहायता से मैं इसके अंदर थोड़े थोड़े से छेद कर दूँगी, जिससे कि ये और भी अच्छा करारा होगा। और हम इसको धीमी आंच में पकाएंगे तो और भी टेस्टी और भी करारा बनेगा, जैसा कि ठेले वाले बनाते हैं, बिल्कुल उसके जैसा। तो यहाँ मैंने आगे कढ़ाई में तेल गरम किया है और इसके अंदर मैंने, ये देखिए, इस तरह से पकवान को ऐड कर दिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। आप पूरा अच्छे से गर्म होने के बाद मस्टर्ड ऑयल के अंदर इसको डालिए, बहुत अच्छे से बनेगा। इस तरह से देखिए, मैंने इसको पापड़ के जैसा थोड़ा करारा करारा बना लिया है। मुझे ऐसा ही पसंद है, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया है। ये देखिए, मैं दूसरा भी बना के दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से दूसरा भी बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, रेडी हो चुका है हमारा पकवान। चलिए अब इस पकवान को हम कैसे सर्व करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इतने सारे पकवान बनाए कि हम सब भरपेट आज पकवान ही खाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और रेसिपीज़ के लिए। तो रेडी हो चुकी है मेरी यहाँ दाल, तो दाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। दाल की रेसिपी जानने के लिए आप मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें, आपको मेरे चैनल पर दाल का लिंक मिल जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर दाल ऐड कर ली है और अब हमने एक प्लेट के अंदर पकवान को रखा है, उसके ऊपर हमने इस तरह से दाल को सर्व किया है। फिर मैंने कटे हुए प्याज, कटी हुई हरी मिर्च और कटे हुए टमाटर, इन सब को इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया है इस तरह से। ये देखिए, दिखने में कितना टेस्टी दिख रहा है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर टेस्ट के अकॉर्डिंग जो डाला है, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये मसाले वाली दाल भी थी, तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया। और जो ये बारीक वाली नमकीन होती है ना, वो भी थी, मैंने उसको भी ऐड कर दिया। बहुत टेस्टी लगेगी इसको अगर आप। ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारा दाल पकवान।